हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक लूडो गेम क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम इसका डेमो पहले आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से मैंने लूडो गेम को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे चार प्लेसेस हैं और यहाँ पे बीच में सेंटर स्टार्ट का, और उसके बाद से आपको यहाँ पे चूज करना होगा कि कितने पर्सन इस गेम को प्ले करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे चार पर्सन जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब चार पर्सन एक बार में इसे प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं जो यहाँ पे बटन है यहाँ पे ओपन होता है, और करने के बाद इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जब तक यहाँ पे इसमें कुछ प्लेइंग करने का कुछ रूल होता है लूडो गेम प्ले करने का, तो यहाँ पे जब 6 आता है तब ये गेम जो रहता है स्टार्ट होता है, और इसके बाद से अगर 6 नहीं आएगा तो यहाँ पे स्टॉप रहेगा। तो ऐसे हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे बटन, वो बटन यहाँ पे प्ले होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया, और 6 आने के बाद हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन जो होता है आगे यहाँ पे प्रोसीड करता है। इसके बाद से यहाँ पे हेल्प में देखना चाहते हैं कि लूडो को कैसे खेलते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे विकिपीडिया का जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे लूडो के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि लूडो गेम कैसे खेलते हैं। फिर यहाँ पे क्रॉप पे यहाँ पे कट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, और होने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। और इस तरह से इस गेम को हम क्रिएट करेंगे। तो इस गेम को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे HTML, CSS और JavaScript यूज़ करने वाले हैं। इसका सोर्स कोड आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से यहाँ पे इसका पासवर्ड है माई लूडो, इसे आप वहाँ पे इंटर कर देंगे, और करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं तो जो फाइल है पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम HTML, CSS और JavaScript यूज़ करने वाले हैं। तो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एंड्रॉयड की हेल्प से हम लूडो गेम क्रिएट करेंगे जिसमें हम जावा का यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे HTML, CSS और JavaScript का यूज़ करके हम एक लूडो गेम यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें हम एंड्रॉयड ऐप कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो उसको भी हम क्रिएट करेंगे। तो पहले आप इस गेम को आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं index.html में इतनी सारी फाइल्स यहाँ पे ओपन करके दिखा देते हैं, और कैसे कैसे इसमें यहाँ पे डाइस है, डाइस की यहाँ पे आपको दिया गया है यहाँ पे इमेजेस, और देने के बाद यहाँ पे CSS की फाइल है, इस वाले CSS की फाइल। तो CSS की जो फाइल होती है मेनली यहाँ पे जो रहता है वो पे स्टाइलिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे जितने भी डेकोरेशन होता है वो सब यहाँ पे CSS में यूज करते हैं, और जितनी हम इंटरनल कोडिंग करते हैं वो सारी इंटरनल कोडिंग होता है जावा स्क्रिप्ट में, और CSS के अकॉर्डिंग होता है। CSS में सारी यहाँ पे डिजाइनिंग सेट करते हैं, और यहाँ पे जो index.html का जो फाइल होता है उसमें हम मेनली जो ब्लूप्रिंट होता है उस ब्लूप्रिंट को यहाँ पे डेकोरेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल मिल जाएगा। तो टाइटल में यहाँ पे मैंने लिखा है प्ले लूडो ऑनलाइन विथ फ्रेंड्स, और डेवलप्ड बाय जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं CSS की फाइल और यहाँ पे ludo.css की फाइल, दोनों यहाँ पे फाइल यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और करने के बाद इसको हम रन कराएंगे। तो रन कराने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा ludo.js, तो js यानी जावा स्क्रिप्ट की फाइल, इसको भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ सबलाइम टेक्स्ट, तो यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर से ओपन करते हैं जिसमें कि जितना भी जावा फाइल यहाँ पे जो HTML का जो कोड रहता है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे शो होता है। तो सबलाइम टेक्स्ट अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, तो ये बहुत ही अच्छा एडिटर है और इससे आप ओपन कर लेंगे, इसमें बहुत ही कलरफुल और बहुत अच्छे से शो होता है। इसके बाद हम इसे रन कराएंगे। रन कराने के लिए आपको इसका पाथ जो रहेगा जहाँ पे भी रखा होगा आपने, तो इसके पाथ को index.html तक का जो है पाथ यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और जो मेन फाइल है index.html उसको आपको ध्यान रखना है किस भी नेम से है। तो मेरा जो मेन फाइल है यहाँ पर index.html है, यहाँ पर लिख देंगे index.html, इंटर करेंगे किसी भी ब्राउजर पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस अभी ओपन हो रहा है, कोई भी यहाँ पर जो लूडो था लूडो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो ओपन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो जितने भी लूडो की यहाँ पे सेटिंग था और लूडो गेम जितना भी था वो सब प्ले होने की जो प्रोसेस थी वो सारी प्रोसेस जो है यहाँ पे JS फाइल में दी गई है। तो JS फाइल को आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो ludo.js वाली फाइल को यहाँ पे हम सेट कर देते हैं स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू
टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे SRC, और जिस भी नेम से मैंने वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, तो यहाँ मेरा जो था ludo.js की फाइल है, तो यहाँ पे ludo.js कर देंगे। इतना आपको यहाँ पे लिखना होगा। लिखने के बाद इसे कंट्रोल एस कर देंगे, सेव हो जाएगा। और सेव हो जाने के बाद अब यहाँ पे जो फाइल थी इसे रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप इसे यहाँ पे रन करा देंगे। रन कराने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट, और इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है तो कितने पर्सन आप रखना चाहते हैं। और यहाँ पे हमने 3 पर्सन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। प्ले पे क्लिक कर देंगे, और वहाँ पे जो एक था ये वाला ऑटो प्ले है, ये यहाँ पे ऑटो प्ले हो जाता है। इसमें आपको बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे डाइस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे ऑटोमेटिक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद से बाकी जो सारा है तीनों, इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। तो जब तक यहाँ पे 6 नहीं आता है, तब तक यहाँ पे गेम यहाँ पे प्ले नहीं होता है। तो यहाँ पे इस बटन को मूव कराने के लिए यहाँ पे 6 आना ज़रूरी होता है। ये सब इसके रूल्स होते हैं लूडो गेम प्ले करने के लिए। तो रेड के बाद यहाँ पे ग्रीन का नंबर आ रहा है, और जब ग्रीन का नंबर आ रहा है तो यहाँ पे ऑटो प्ले हो जा रहा है। तो क्योंकि मैंने ऑटो प्ले वाला सेलेक्ट किया था, मैंने आपको बता दिया किस तरह से यहाँ पे प्ले करना है और किस तरह से यहाँ पे शो होता है, कैसे, इसमें सारे रूल्स आपको मैंने बता दिया। इस तरह से आप यहाँ से देख लीजिए। अगर ज़्यादा आपको पढ़ना हो तो आप विकिपीडिया के वेबसाइट को ओपन करके आप रीड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप अपना अगर खुद का वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो आप अपना खुद की वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे आपको रीस्टार्ट पे आ जाएगा, फिर से आप इसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको सारी फाइल्स हैं प्रॉपर यहाँ पे ऐड कर लेना है, और ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे सारी फाइल को यहाँ पे रीड कर सकते हैं क्या क्या इसमें दी गई है। कुछ कलर्स है, वो सारे कलर्स अगर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे CSS की फाइल में आकर के आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप ऐप कैसे बनाएंगे, एंड्रॉयड ऐप और वो लूडो एंड्रॉयड ऐप, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो यूजफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।